One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BidTech, excellence with values. पूरा वाक्य ये है, मैं चेकअप कराने गया था मैक्स हॉस्पिटल में। वहाँ से मैं चेकअप करा रहा था तो ड्राइवर ने जो छोटा शॉर्टकट ले लेते हैं, नोएडा रहता हूँ, नोएडा जा रहे थे तो रास्ते में एक गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर मार के उसके बाद उसने हमें ब्लेम किया, आपने टक्कर मारी है। उन्होंने बोला बेटा हमने नहीं मारी, तूने मारी है। तो वो चला गया। आगे जाके 100 घर के खराब पास में पर फिर उसने गाड़ी रोकी, ब्लॉक कर दिया हमें। उसने क्या आया, तुम्हारा शीशा खोलो। शीशा खोला, दौड़ के चपेट मारी, उसको पिस्तौल दिखा के धक्का मार के गाड़ी कवर कर दिया। एक मेरे साथ बैठ गया, एक और ड्राइवर के साथ बैठ गया। वो गाड़ी लेके चल पड़ी, दूसरी गाड़ी उनके पीछे चली गई। इसके बाद रोक के एक उसमें से चला गया, वो गाड़ी लेके कहाँ गए मालूम नहीं है। दो हमको लेके घूमते गए, फिर हमारी तलाशी ली, हमारी जेब से क्रेडिट कार्ड निकले। बोला क्रेडिट कार्ड है तुम्हारे पास, कहाँ कहाँ पैसा है तुम्हारा। बोला जी ये क्रेडिट कार्ड है, उसमें 40,000 रुपया निकाल लो। वहाँ गए, वहाँ चेक पास नहीं हुआ था, उसमें 500 रुपया था, वही निकला। वो तो बोलेगा ही, बोला आपने झूठ बोला है, मेरे बेटे को बोला, उसको गोली मार दी। उसने बोला मेरे को झूठ बोलने क्या, झूठ नहीं है तो नहीं है, गोली मार दी। उसके बाद 28 सेक्टर में गए, कहते जी अपने कार्ड से कपड़े खुलवाओ। मैं वो बंद है तो कैसे खिलाया, मैंने बोला कल ले लेना, ले जाओ मेरे कार्ड, क्या बात है। चौकीदार ने बोला बंद है ये वो ऐसा था। तो मेरे ड्राइवर को बोलते हैं भैया पान लिया, मेरे लिए पान लेने गया, वो भाग के चला गया। हर एक को अपनी जान प्यारी, वो पुलिस में गया जाकर उसने इन्फॉर्म किया। वहाँ से पुलिस को पता लगा, पुलिस में रेड अलर्ट दे दिया। फिर तो पुलिस का होता पहले नाकाबंदी करो, उसने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो इन बिटवीन घूमते रहे वहाँ कोई नहीं था, इसलिए पकड़े नहीं गए। इसलिए उन्होंने 8 घंटे लग गए, नहीं तो जल्दी पकड़े जाते। वो ऐसे आदमी कम से कम 10,000 आदमी लगे हुए पुलिस को, 2 आदमी क्या होते हैं, कितने होते हैं 24 घंटे से ऊपर। ये पुलिस हो या कोई हो, हम कहते हैं पुलिस पब्लिक का जितना बेस्ट हो सके उतना करें। वी आर डिपेंडेंट ऑन पुलिस। पुलिस हमारी इमीडिएटली ब्रदर है, हमारे सब कुछ है। हर कंप्लेंट हम पुलिस को करते हैं, पुलिस करती भी है, लेकिन पुलिस बेचारी क्या करें, उनकी लिमिटेशन है। पुलिस भी डरती है, उनके बाल बच्चे का तो सारा मामला है, सेंटीमेंट का है, क्या करें। क्या ये रोड रेज, एक लड़की गई मेले में मेला देखने, जलेबियां खाने, उसने जोर पे ही जलेबियां खाई, खा रही थी, पीछे था कि इसने पिस्तौल रख दी। उसको क्या मालूम था मेरे को पिस्तौल रखी जाएगी। इनका एम होता है लूटना, जिसकी गाड़ी में बैठते कुछ तो कुछ मिलेगा, किसी ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा। उसके बाद आप जब जेवर पहुंचे फिर कैसे, जेवर से कैसे मेरे घर में आए यहाँ। अच्छा, बोलते टेलीफोन बुलाओ, भाई को टेलीफोन बुलाया, इसको टेलीफोन दे के बोलते हैं गुड़िया तेरे पास जो ज्वेलरी है वो हमें दे दे, नहीं तो तेरा हस्बैंड है और ये है, इसको गोली मार देंगे। और उसको बोला मार दे भाई इनको गोली डराने के लिए। बोले मेरे तो कुछ नहीं करी, तेरे पास कांटे कांटे होंगे, चीन होंगे, तेरे पास चूड़ियाँ होंगी, तेरे पास ये होगा वो होगा, इसकी कान के कांटे चूड़ियाँ मैं ही, इसने उतार के दे दी, ले जाओ। सामने से ले गए वो बाई गार्ड है। करीब कितने रुपए का, कौन पुराने हैं, इनकी शादी के हैं सब कुछ, अभी इनके पास चेन भी नहीं गले में पहनने की। ड्राइवर साहब बैठे हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा पड़ेगा। हाँ जी, आप जो अवेयरनेस दे रहे हैं जी जी, उसको तो फायदा हो सब तो बढ़िया। सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, अगर उस पर पूरा एक्सप्रेस वे पे सीसीटीवी कैमरे हैं।
तो वो जो स्विफ्ट गाड़ी है उसी समय पे वो लोकेशन ऑफिस करके वो निकालेंगे जरूर और उसका पकड़ा सामान तो मेरी बिल्डिंग अटक करवा रही है में। आप गाड़ी के साथ ही खड़े हो गए थे लेकिन अच्छा फिर आगे ले गए स्पाइस के सामने अच्छा। फिर वहां से उन्होंने मतलब वहां पे हम सबसे बहस हुई थी सॉरी बोल दिया मैं चलो जी कोई बात नहीं पीछे से उसके बाद फिर उन्होंने आगे जैसा एक मिनट रुक जाओ बाइक लेनी है।